सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को लेकर। लॉयड्स इंजीनियरिंग में आप लोग देखोगे 20% का सर्किट हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी शानदार तेजी है भाई। ठीक है, 52वीं हाईएस्ट स्टॉक ने बनाया और जो वॉल्यूम आई है 46.9 मिलियन, यानी कि 4,69,00,000 के आसपास की वॉल्यूम। और इतनी हाई रैली के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है, इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी टाइम से बुलिश था भी। आपने देखा होगा जब पीछे रिजल्ट आए थे इसके Q3 के, उस टाइम में 43 के आसपास एंड 40 के आसपास स्टॉक का भाव चल रहा था। और उस टाइम आपको बोला था कि यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है। अगले क्वार्टर तक आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो आपको 69 रुपये तक के मूव, यानी 70 से 71 रुपये तक के मूव आने की संभावना थी स्टॉक में। 69 से 71 रुपये तक के आने की टारगेट आने की संभावना थी। और आज आप लोग देखोगे स्टॉक में 20% का सर्किट लग गया है भाई। तो ये धमाका आखिरकार क्यों हुआ है इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। और साथ में आप लोग देखोगे भी इस खबर के बाद क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर नहीं भाई। तो चले देखते हैं डिटेल में आखिरकार क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ठीक है, सॉरी 52वीं हाई पर पहुंच गया है एक 20% के सर्किट के साथ। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में जो तेजी के पीछे एक्चुअली में रीजन है, 20% का जो सर्किट यहाँ पर लगा है उसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या, चलिए आपको दिखाते भी। एक जो वॉल्यूम है उसमें भी हमें ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है और इस तेजी के पीछे का रीजन है भी कंपनी को मिलने वाला आज के दिन एक बड़ा ऑर्डर। जी हाँ, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पर देख सकते हो कि लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर तेजी क्यों बनी है। काउंटर पर टर्नओवर 36 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण आप लोग देखो मार्केट कैप 7,765 करोड़ के आसपास का है। शेयर की कीमत में आज तेज बढ़ोतरी कंपनी द्वारा एक घोषणा करने के बाद हुई है भाई। ठीक है, घोषणा क्या है, कंपनी को जो है अभी 81 करोड़ रुपये से अधिक के नौ सैनिक उपकरण वाला जो है अभी ऑर्डर हासिल हुए हैं। ठीक है, 81 करोड़ का ऑर्डर है अभी जो आप लोग देखोगे नौ सैनिक उपकरण से रिलेटेड अपडेट आई है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिला। लॉयड्स इंजीनियरिंग को नौसेना उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जो कंपनी के विकास पथ में आप लोग देखोगे जो एक ग्रोथ स्ट्रेटेजिक पथ पर आप लोग देखोगे हमें जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 81 करोड़ रुपये से अधिक का ये मूल्य के जो ऑर्डर मिला है स्टॉक को, सिप जो स्टीयरिंग गियर सिस्टम और सिप स्टेबलाइजर सिस्टम शामिल है इसके अंदर। और ये ऑर्डर आप लोगों जल्द ही आने वाले हैं और 3 साल के दौरान निष्पादन यह कहा गया है, यानी 3 साल के अंदर कंपनी से कंप्लीट कर सकती है। लॉयड्स इंजीनियरिंग का है कि नए जहाज़ों के निर्माण के संबंध में ये ऑर्डर सरकार के बढ़ते रक्षा खर्च के परिणाम स्वरूप बढ़ती जो मांग को पूरा करने में कंपनी के सक्रिय रुख को दर्शाते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट साझा की गई है। 81 करोड़ का कंपनी को नौ सैनिक एक बड़ा ऑर्डर मिला है भाई। ठीक है, वहाँ से ठीक जहाँ पर जो कंपनी है वो क्या करेगी, सिप स्टीयरिंग गियर सिस्टम और जो सिप स्टेबलाइजर सिस्टम है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर इसे जो अभी अगले 3 साल में कंप्लीट करने की संभावना, निष्पादन करने की संभावना है। तो ये खबर, और इस खबर के बाद आप लोग देखोगे किस प्रकार से रैली स्टॉक में बनी है और ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी, आगे के टारगेट कैसे रहेंगे चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक खतरनाक ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला। और पीछे भी ये स्टॉक नीचे आया था, उस कंडीशन भी मैंने आपको बोला था कि बड़ा मौका है स्टॉक में। ठीक है, 43 के आसपास की रेंज में स्टॉक आया था, उसके भी नीचे निकला था। अभी जो पीछे मार्केट में फॉल बना था अभी उस कंडीशन में, ठीक अभी टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार रिकवरी बनी है। और रिकवरी नहीं है, एक ज़बरदस्त रैली यहाँ से बनते हुए नजर आई है। और यहाँ पर आप लोग एक पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है भाई। ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न आप लोग ध्यान से देखोगे तो भी कप एंड हैंडल का है। ठीक है, कप एंड हैंडल का ये पैटर्न बना है जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखोगे ब्रेकआउट लेवल दो ब्रेकआउट हुए, एक तो इसका जो ऑल टाइम हाई है पहले था 62 रुपये 80 पैसे के आसपास का, वो ब्रेक किया इसने, सस्टेन किया ऊपर में। सेकंड जो था भी वो इसका कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट आया यहाँ पर वो 59 रुपये 55 पैसे का था, ये भी ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये दो ब्रेकआउट और इसके बाद स्टॉक में तेज़ी अच्छी बनी है। 62 रुपये 80 पैसे के सपोर्ट के साथ आपको आगे के लिए ट्राई करना चाहिए, स्टॉक के जो टारगेट ऊपर में आ सकते हैं इस खबर के बाद। और आगे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक आपको यहाँ से 70 रुपये प्लस के मूव दिखा सकता है।
तो यहाँ से ऐसा मत समझो कि 81 करोड़ का ऑर्डर मिला तो स्टॉक यहाँ से एक झटके में आगे भी 20-20% 10-10% भागते हुए नजर आएगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ध्यान रखना रिजल्ट से पहले और बनेगी वो। तो अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो भी फ्रेश एंट्री ले लें तो या तो एक डीप आने देना आप, तो ठीक है, या फिर अगर लेते हो तो विदाउट स्टॉप लॉस मत चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।